एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खट्टक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचने हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे। जिद का उसका अली इलेक्शन तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए पार्लियमान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वजीर आजम नहीं रहा तो क्या क्यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफी चीजें हासिल की है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे जरूर, और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो अपना एक वजूद है, उनसे हम मिलके काम करने की कोशिश करें।